हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कृतिका और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद कृतिका में स्वागत है। तो आज हम लोग क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स बनाएंगे, जो फ्राइड नूडल्स हम लोग सूप सर्व करते वक्त यूज करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नूडल्स को बॉइल कर लेना है। तो नूडल्स बॉइल करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 लीटर पानी ऐड कर लिया है। अभी पानी को बॉइल कर लेना है। तो यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है। अभी इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर लेना है और 1 चम्मच ऑयल ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें 100 ग्राम जितने नूडल्स ऐड कर लेना है और इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट तक बॉईल कर लेना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर नूडल्स को मैंने मीडियम फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स में से एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल लिया है। अभी इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बॉईल किए हुए नूडल्स को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अभी इसको ड्राई होने देना है। तो यहाँ पे नूडल्स ड्राई हो चुके हैं। अभी इसके ऊपर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। नूडल्स को कॉर्नफ्लावर के साथ अच्छे से कोट कर लेना है। तो यहाँ पे नूडल्स को मैंने कॉर्नफ्लावर से कोट कर लिया है। अभी इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे नूडल्स फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अभी इसमें कॉर्नफ्लावर में कोट किए हुए नूडल्स ऐड कर लेना है। और इसको अभी मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। इसको इस तरह से सभी साइड से टर्न करते हुए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे नूडल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बचे हुए नूडल्स भी फ्राई कर लेना है। सेम प्रोसेस से अभी इसको भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे सभी नूडल्स को फ्राई करके मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। तो एक क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स बनके रेडी है। अभी इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये नूडल्स। तो फ्राइड नूडल्स को मैंने ब्रेक करके यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है। तो ये क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स बनके रेडी है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप ये फ्राइड नूडल्स चाइनीज सूप के साथ सर्व कर सकते हो। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।